नमस्कार, वेलकम टू स्टडी जॉब लाइन। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपके लिए इंडिया जीके के 35 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। और दोस्तों अगर आपकी आरपीएफ की एग्जाम अभी तक नहीं हुई है या फिर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपको बताएंगे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं बिना टाइम खराब किए और देखते हैं सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, एक भी क्वेश्चन अगर आपने छोड़ दिया तो ये मानो कि आपका एक नंबर कट गया। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सभी प्रश्न। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और अगर आप एसएससी जीडी और आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। अब दोस्तों हम सभी क्वेश्चन देखते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956। दोस्तों ये पूछा जाए कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई तो उसका उत्तर भी यही होगा 1951। अब दोस्तों चलते हैं आगे, आप अंतिम पंचवर्षीय योजना भी याद रख लीजिए, 2012 से 2017 ये थी अंतिम पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक थे जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद में इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना है वो एस एन बनर्जी ने की थी। चलते हैं दोस्तों आगे, अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो दोस्तों संविधान के 20वें भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो दोस्तों वो है अनुच्छेद 256। अनुच्छेद 256 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश देती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो दोस्तों सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भरता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों सभी क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से याद रखना, किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, जो कि हिमालय की चोटी है। माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी नहर कौन सी है, बल्कि सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर है, वो भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है, ठीक है, आपको पता है राजस्थान में स्थित है। इसके बाद में दोस्तों अगला है, कामाख्या मंदिर किस राज्य में है? तो दोस्तों कामाख्या मंदिर है वो असम राज्य में स्थित है। आरपीएफ के एग्जाम में एक बार ये पूछा भी जा चुका है अब तक और आगे भी रिपीट होगा और एसएससीजीडी के एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद दोस्तों क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी है वो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। ओके, रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई हो गई क्यूरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, किस द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व है उसके वास्तविक में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों यहां पर क्वेश्चन थोड़ा गलती से टाइप हो गया, ये क्वेश्चन है किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों कहेंगे वाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन, आवर्धक लेंस को वास्तव में कौन सा लेंस माना जाता है, या आवर्धक लेंस है वो वास्तव में कौन सा लेंस होता है? तो दोस्तों आवर्धक लेंस है वो वास्तव में उत्तल लेंस ही होता है। उत्तल लेंस को ही आवर्धक लेंस कहते हैं और आवर्धक लेंस को ही उत्तल लेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है गोस। ओके, गोस है वो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो मरकरी को लोहा धातु के पात्र में रखा जाता है। मरकरी वो धातु है जो द्रव्य अवस्था में कमरे के तापमान पर पाई जाती है। शुष्क शैल की धनात्मक छड़ होती है, तो दोस्तों शुष्क शैल की धनात्मक छड़ है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। जो शुष्क शैल आप देखते हैं, आप सभी ने देखे होंगे शुष्क शैल, दोस्तों इनमें जो धनात्मक छड़ है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। अगला, भारी जल एक प्रकार का है, भारी जल है वो एक प्रकार का मंदक है। भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है, जिसका सूत्र दोस्तों हो जाएगा D2O। भारी जल का सूत्र है D2O। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है? तो दोस्तों लक्षद्वीप में साक्षरता प्रतिशत है वो अधिकतम है 2011 की जनगणना के अनुसार। किस राज्य को भारत का
अन्न भंडार भी कहा जाता है। तो दोस्तों पंजाब जो राज्य है, पंजाब को भारत का यानी हिंदुस्तान का धन भंडार के नाम से भी जाना जाता है या धन भंडार कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले किस्म की तरफ। अगला है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो सबसे बड़ा नदी मुख है वो हुगली नदी का है। ओके, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख है वो हुगली नदी के मुख पर है। यूरोप का भारत के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो दोस्तों इटली है जो आपको पता है एक देश है, इसे यूरोप का भारत के नाम से जाना जाता है। कारण यह है कि ये इटली है, इसमें भी भारत की तरह कृषि बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर की जाती है। इटली भी भारत की तरह एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए यूरोप में इटली को भारत के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, पानी से भरे हुए बर्तन का तल ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है अपवर्तन की क्रिया। जब प्रकाश किरणें आती हैं पानी के अंदर से गुजरकर, तो वो पानी और वायु के परावर्तित तल पर अपवर्तित हो जाती हैं और ऐसे लगता है कि पानी जो जिस वस्तु में भरा हुआ है, जिस पात्र में, उसका तल ऊपर उठा हुआ है। अगला क्वेश्चन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो दोस्तों वसा में के, डी और ए, ये तीनों विटामिन है वसा में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इसके याद रखने की ट्रिक की बात करें तो वह कीड़ा, दोस्तों कीड़ा आपको शब्द याद रखना है, कीड़ा को अगर आप इंग्लिश में लिखें तो हो जाएगा के आई डी ए। अब दोस्तों आप देखें कीड़ा है वो आपको पता है वसा के पास आता ही है, इसलिए दोस्तों कीड़ा है वो वसा में घुलनशील होगा। लेकिन दोस्तों कीड़ा शब्द में चार नाम आते हैं, के आई डी ए, आई है ये तो विटामिन है नहीं, इसके अलावा दोस्तों के, डी और ए, ये तीनों ही वसा में यहां पर घुलनशील होती है। इसके अलावा दोस्तों जो विटामिन बच गई वो वसा में घुलनशील नहीं है। तो अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है जोग गरसोप्पा जलप्रपात। आरपीएफ के एग्जाम में आ भी चुका है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहां स्थित है, तो वो है कर्नाटक में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर जोग गरसोप्पा जलप्रपात है ये सरस्वती नदी पर बनता है, कर्नाटक में बनता है, उसका नाम हो गया जोग गरसोप्पा जलप्रपात, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सभी विटामिनों के रासायनिक नाम याद करने की ट्रिक देखते हैं, क्योंकि काफी सारे विद्यार्थी ये नाम याद नहीं कर पाते। तो दोस्तों विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई और के, ये विटामिन हैं जिनके रासायनिक नाम अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और आरपीएफ की जो एग्जाम अब तक हुई है उनमें भी हर शिफ्ट में ये रासायनिक नाम पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों देखें इन सभी की एक ही ट्रिक है, रथ एक ट्रॉफी। दोस्तों आपको ये याद नाम रखना है, रथ एक ट्रॉफी, आपको ये सभी रासायनिक नाम नहीं याद रखने, आपको सिर्फ एक लाइन याद करनी है, रथ एक ट्रॉफी, अगर रासायनिक नाम पूछे जाए तो। अब देखें पहला अक्षर इसका है रे, तो दोस्तों रे से सबसे पहले हमें विटामिन की बिल्कुल लाइन वाइज चलेंगे कि विटामिन ए बी सी डी, तो दोस्तों रे का संबंध है वो ए से होगा, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल, तो इससे रे मिल गया, रे से रेटिनोल। इसके बाद में दोस्तों विटामिन बी, तो विटामिन बी में यहां पर आता है थे, तो दोस्तों विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन। ओके, विटामिन बी का रासायनिक नाम हो गया थायमिन। इसके बाद में दोस्तों आपका यहां पर आएगा विटामिन सी, तो दोस्तों विटामिन सी में इसमें आएगा आप देख सकते हैं ए, तो दोस्तों ए से आपका हो गया एस्कोर्बिक, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कोर्बिक। इसके बाद में विटामिन डी, तो दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सी फेरोल, तो दोस्तों यहां पर आप सीधा देखेंगे तो रथ एक ट्रॉफी में जो क है इसका मतलब आपका हो जाएगा विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सी फेरोल। इसके बाद में दोस्तों आता है ट्रो और फी ट्रॉफी, तो दोस्तों इस डी के बाद में आएंगे ई के ऊपर, तो ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल, तो इसका ट्रॉफी से टो हो गया टोकोफेरोल। बाद में बचा ट्रॉफी का फी, तो विटामिन के का रासायनिक नाम हो गया फी से फिलीकोनोन। ये दोस्तों आपकी ट्रिक हो गई सभी रासायनिक नाम याद रखने की। इसके बाद में दोस्तों आगे चलते हैं, दोस्तों आपको ये नाम याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एग्जाम में जब ऑप्शन दिए जाएंगे तो अपने आप इस ट्रिक से आपके सभी जो नाम है ये हल हो जाएंगे। दोस्तों देखिए ये तो क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं, उम्मीद करते हैं आपको सभी याद हो गए होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करके पूछिए या आप अपना विचार कमेंट करके बता सकते हैं, और आपकी आरपीएफ के एग्जाम तक हुई या नहीं ये बात भी आप कमेंट करके बताएं। अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखा है तो आपके सभी क्वेश्चन याद जरूर हुए होंगे, जो हार्ड क्वेश्चन थे उनकी याद करने की ट्रिक भी हमने आपको बताई है। दोस्तों इस वीडियो में इतना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और ऐसे आरपीएफ की और ऐसे जीडी की तैयारी करने के लिए और इनसे जुड़ी पल पल की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।